इस साल के अंत में भारत की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है और इसी के साथ बढ़ने वाली है भारत के दुश्मनों की चिंता। भारत में नवंबर के अंत में दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि दुश्मनों के हवाई हमलों को भारत में घुसने से पहले ही तबाह कर सकता है। चीन और पाकिस्तान तो पहले से ही परेशान हैं, लेकिन भारत में S-400 की डिलीवरी से ठीक पहले अमेरिका की बेचैनी भी बढ़ गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सिस्टम कितना ताकतवर है और आखिर क्यों अमेरिका द्वारा इसको लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। दरअसल भारत के दौरे पर आई अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा कि जो भी देश S-400 का इस्तेमाल करना चाहता है उसे लेकर हम सार्वजनिक रूप से पहले ही कह चुके हैं, हम समझते हैं कि ये खतरनाक है और किसी के भी हित में नहीं है। आपको बता दें कि रूस के साथ हुए इस रक्षा समझौते को लेकर अमेरिका ने भारत पर काट्सा नाम का प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। काट्सा का पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस अमेरिकी कानून के तहत रूस से कोई बड़ी रक्षा खरीद करने वाले देश पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। अमेरिका ने सबसे पहले ये प्रतिबंध ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के खिलाफ लगाया। दरअसल S-400 को लेकर भारत के प्रति अमेरिका की नाराजगी का एक कारण है। अमेरिका चाहता है कि भारत S-400 की जगह उसका एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड खरीदे। जानकार बताते हैं कि थार्ड S-400 के सामने कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में बता दिया था कि वो S-400 सिस्टम को खरीदने से पीछे नहीं हटेगा और रूस के साथ अपनी डील को जारी रखेगा। वैसे आपको बता दें कि प्रतिबंधों की बात करके अमेरिका केवल अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, क्योंकि भारत पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका पर भी भारी पड़ सकता है। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में काफी तेजी आई है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े समझौते हो चुके हैं, तो केवल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चलते अमेरिका भारत से अपने रिश्ते बिल्कुल कमजोर नहीं करेगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला फाइटर जेट F-35 भी नहीं टिक पाता है। इसके तैनात होने के बाद देश के दुश्मन आसमान से हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि इसके सामने दुनिया का कोई भी हथियार काम नहीं करता। जंग के हालात में भारत के S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले ही निशाना बनाया जा सकता है, चाहे फिर वो चीन के J-20 फाइटर प्लेन्स हो या पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइलें छोड़ सकता है। इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये सिस्टम कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। अमेरिका ने जब 2017 में काउंटरिंग एडवर्सरीज ऑफ अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी काट्सा की शुरुआत की थी, तो उस समय सबसे पहले दो देश जिन पर उसने प्रतिबंध लगाया था वो रूस और ईरान थे। ईरान के साथ भारत के पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन रूस के साथ रिश्ते एक अलग स्तर पर हैं। रूस भारत को तब से सैनिक सहायता देता रहा है जब दुनिया का कोई और देश भारत के साथ नहीं खड़ा था। ट्रंप सरकार ने भारत पर दबाव डालने के लिए 2018 में 2x2 यानी भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों की बैठक जो दिल्ली में होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया, लेकिन भारत उस दबाव में नहीं आया था। उसी साल यानी 2018 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत ने न केवल S-400 बल्कि AK-203 असॉल्ट राइफलें और 4 फ्रिगेट्स के सौदे भी कर लिए थे। यानी भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया था कि चाहे अमेरिका के साथ सैनिक और कूटनीतिक संबंध जितने भी गहरे हो जाएं, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, कूटनीतिक संबंधों और सैनिक संबंधों के मामले में अमेरिका का डिक्टेशन नहीं लेगा। पिछले 1.5 दशक में अमेरिका के साथ भारत के सैनिक रिश्ते काफ़ी गहरे हुए हैं। भारत ने अमेरिका से काफ़ी सैनिक साजो सामान भी लिया है, C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट, अभी हाल में ही अमेरिका से 6 और असॉल्ट राइफलें भी खरीदी गई हैं। उसके अलावा कई सैनिक सहयोग के कई समझौते भी अमेरिका के साथ हुए हैं और भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर चीन के खिलाफ एक साझा फ्रंट तैयार कर रहे हैं यानी क्वाड। लेकिन इन सब के बाद भी
अमेरिका के साथ संबंधों में भरोसे का वो स्तर नहीं आया है अभी तक जो रूस के साथ है। इसलिए S-400 या इसके बाद भी जो भी सौदे होंगे उसमें भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका दबाव अब डाल भी नहीं सकता भारत के ऊपर, इस बात को अमेरिका भी जानता है। इसकी वजह यह है कि भारत इस समय एक बड़ी इकॉनमी है, भारत एक बहुत मजबूत देश के तौर पर उभर कर सामने आया है। अमेरिका के साथ अब वो किसी याचक की स्थिति में नहीं खड़ा है बल्कि एक बराबरी का संबंध देख रहा है। साथ ही प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में चीन के दखल को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की बहुत सख्त ज़रूरत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं, इसलिए अमेरिका किसी भी स्थिति में भारत को नाराज़ नहीं करना चाहेगा। इसमें उसके सैनिक हित भी जुड़े हैं, उसके कूटनीतिक हित भी जुड़े हैं और उसके व्यापारिक हित भी जुड़े हैं। धमकी अमेरिका चाहे जितनी भी दे ले, लेकिन भारत के खिलाफ ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई करना अमेरिका के लिए अब मुमकिन नहीं है। इस सरकार की सबसे बड़ी दृढ़ता वाले फैसलों में अगर गिना जाएगा तो ये गिना जाएगा कि रूस और अमेरिका दोनों के ही साथ संबंधों को बहुत ही अच्छे से साधा गया है। रूस के साथ जो पुराने संबंध थे वो आज भी चल रहे हैं, बरकरार हैं, भरोसा एक बार फिर से सामने आ रहा है। वहीं अमेरिका के साथ संबंध गाढ़े हो रहे हैं और दो धुर दुश्मनों के बीच में भी भारत बहुत ही सामान्य और बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों से संबंध बनाकर चल रहा है। ये एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.